हाय फ्रेंड्स, ये सैमसंग का B310E मोबाइल है। ये डेड है, देखते हैं। चलो चालू करके ये अभी ऑन नहीं हो रहा है। ये गिरने से यहाँ वैसे भी डेड हो सकता है। बिल्कुल नया है, पीस है, लगभग 3-4 महीना यूज़ हुआ है। तो हम इसको प्रॉब्लम जो है सॉल्व करने के कोशिश करेंगे। चलो पीसीबी पे देखो, इसका जो है ना, हम सबसे पहले पावर आईसी के आसपास के एरिया को ही चेक करेंगे, ताकि ये जो है ना पावर आईसी, इसके आसपास ही प्रॉब्लम आ सकता है ऑन होने में। तो हम ये सब चेक करेंगे सबसे पहले एक एक करके। कैपेसिटर है और कॉइल को हम चेक करेंगे। कैपेसिटर सही है। लगभग कॉइल बराबर नहीं है, कॉइल को हम दूसरा चेंज करना पड़ेगा। लगभग कॉइल ही ख़राब है इसका। तो इसे अभी चेक करेंगे, इसको चेंज करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो हम इसको भी चेंज करते हैं। सेम पीस से दूसरे मोबाइल से निकाल के डाल देंगे। मैंने अभी इसमें दूसरा लगा दिया है, ठीक है। हम अभी इसको ऑन करके देखेंगे। ठीक है, अभी आ रहा है इसका रेजर के रेंज पे चेक करते हैं इसे। लगभग चालू नहीं हो रहा है, लगभग बैटरी लो होने का चांसेस है। चार्जर लगा के देखते हैं। ठीक है, लगभग हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व हो चुकी है। मोबाइल चालू हो रहा है, हम स्विच ऑन करके देखते हैं। ठीक है, चालू हो गया। ठीक है, हमारा जो भी था प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप कमेंट कर सकते हो, और आप कुछ पूछ सकते हो।